ये लॉकडाउन में टाइम मिला, फ्री था, तो इसलिए सोचा कि एक लॉकडाउन को यूटिलाइज करते हुए कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैंने सोचा ब्रेन के ऊपर मैं कुछ स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और इसी बेसिस के लिए मैंने फिलोसॉफी सब्जेक्ट को चूज़ किया, जो कि साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ये सब रिलेटेड टॉपिक्स है, सो मैं फिलोसॉफी को चूज़ किया। तो एज ए फिलोसॉफी स्टूडेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो ए नॉन प्रोफेशनलिस्ट, एज ए फ्रेंड आप मुझे देख सकते हैं, एज ए पर्सन आप मुझे देख सकते हैं, एज ए स्पीकर मुझे सुन सकते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग का हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने जो रिसर्च किया है वो यहाँ इस कॉपी में बेस्ड है। ये कॉपी में मैंने क्या है टेबल बनाया है, जो टेबल है इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो ये स्टार्ट होता है, यहाँ से इसमें लिखा होता है, लिखा हुआ है नेगेटिव का जो थॉट है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जो नेगेटिव थॉट है वो शुरू जब होता है हमारे दिमाग में, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, राइट या रॉन्ग होता है। नेगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग कुछ मैटर ही नहीं करता। अगर आपने ये मान लिया है कि पॉजिटिव थिंकिंग काम करता है तो दुनिया की कोई आपको ताकत नहीं बचा सकती, नेगेटिव थिंकिंग भी काम करता है। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये टॉपिक के ऊपर मैं आज ज़्यादा ध्यान नहीं देकर राइट थिंकिंग या रॉन्ग थिंकिंग के ऊपर बोलूँगा, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काम करता है नहीं करता, ये मैं नहीं बोलने वाला। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग ऑन आवर माइंड, व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, व्हाट इज राइट थिंकिंग, व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग। इट मे बी पॉजिटिव फॉर मी बट रॉन्ग फॉर यू, बट इट मे बी राइट फॉर यू बट नेगेटिव फॉर मी। सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माई ब्रेन इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय थॉट्स। अगर हम एक इलॉजिकल पर्सन है, ज़्यादातर हम इंसान इलॉजिकल होते हैं, लॉजिकल पर्सन दुनिया में बहुत कम होते हैं। अगर हम इलॉजिकल हैं, हमारा ब्रेन इलॉजिकल है, इरेशनल है, नेगेटिव चीज़ों के एरिया में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव सोचता ही नहीं, दिमाग हमेशा चलता रहता है नेगेटिव, ये वो, एग्जाम में कम मार्क है तो क्या होगा, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, उसने मुझे छोड़ देगी तो क्या होगा, ये सब चीज़ के ऊपर चलता रहता है। फ्यूचर में जॉब मिलेगा, कुछ कर पाऊंगा, बिजनेस कर पाऊंगा, पैसा कमा पाऊंगा, नौकरी कमा पाऊंगा, कुछ दुनिया में इतने सारी चीज़ें हो रहे हैं, मेरा नौकरी चला गया तो क्या होगा। ऐसे ही कई बार पेरेंट्स के ऊपर आता है, पेरेंट्स का कुछ हो गया तो क्या होगा, ऐसे ही इसको बोलते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। इलॉजिकल थिंकिंग मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ये अपने दिमाग में बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ब्रेन है एक मॉनिटरिंग डिवाइस, ब्रेन है एक हार्डवेयर जिसमें फीडेड है सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम या माइंड। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्राम इन कंप्यूटर, जिसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है उसको भी प्रोग्राम बोला जाता है। हार्डवेयर होता है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, जिसको इंटरलिंक होते हैं, वाइस वर्सा दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर निर्भर नहीं किए तो दोनों ही काम नहीं कर पाए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह हमारा ब्रेन एक हार्डवेयर है जिसमें फिटेड है एक सॉफ्टवेयर, जिसका नाम बोलते हैं माइंड। सो ब्रेन इज हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ये माइंड में हमारा एनवायरमेंटल डाटा फिटेड होता है, जैसे कि हम बचपन से आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं, क्या सुनते आ रहे हैं, क्या बिलीव्स है, इसके ऊपर एनवायरमेंटल डाटा स्टार्ट होता है। एनवायरमेंटल डाटा मतलब क्या, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने वेपर किया हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने अंदर लिया हुआ है, ऑब्जर्व किया रखा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये हमने जज किया है, हमारे बचपन से हमको सिखाते आया गया है, भूत है क्या, असली में भूत है या असली में भूत नहीं है, क्या आप कभी जानने का कोशिश किए हैं, नहीं किए। आज इसी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। लर्न फ्रॉम इट राइटली और रॉन्गली, जो इन्फॉर्मेटल डाटा होता है अगर सही होता है, अगर हम उसे कुछ सही सीखते हैं, कुछ ठीक करते हैं तो बढ़िया, प्रोसेस तो वहीं पर हो जाता है, जिंदगी सफल होता है। सफल ना हो इसका चांस ही नहीं, 100% सफल होगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप अमीर बन जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि आप खुश रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन आप अगर हमारा ब्रेन इलॉजिकल है, हम एक ओवर थिंकर है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में सोचते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, माइंड का स्पेक्ट्रम जो है नेगेटिव थॉट्स का वो एक्टिव हो जाता है। हमारा माइंड का काम ही है नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो हमेशा हमारे माइंड को फियर करता है ताकि हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन क्या हमेशा ये फियर सही होता है? फियर दो तरीके के होते हैं, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब जो झूठ है आपको दिख रहा है सही है, ये और एक फियर होता है, और एक फियर जो होता है उसको बोल जाता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल ये होता है झूठ, ये फियर होता है सही, फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब पहाड़ से मैं गिर जाऊंगा या बिल्डिंग से नीचे कूदूंगा तो मुझे हार्म होगा, वो है लॉजिकल, ये सही, ये डर रहना चाहिए, नहीं तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है। जो थॉट हमारा दिमाग को परेशान करता है, जैसे कि अगर मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, एग्जाम में मैं अच्छे से पढ़ाई किया हूँ, एग्जाम में कम मार्क आ गया तो क्या होगा, जिंदगी में असफल हो गया तो क्या होगा, इसको सोच के जनरलाइज एंग्जाइटी हमारे अंदर फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव स्थिति में होते हैं।
किसी गर्लफ्रेंड है या किसी की लड़की का बॉयफ्रेंड है तो उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, इस रिलेशनशिप के ऊपर लेकर, सब चीज़ के ऊपर लेकर ये होता है। और जो होता है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम अभी के अभी स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप करना है? फॉल्स यूजलेस ग्राफिक स्टार्ट विजुअलाइजिंग। जब हम नेगेटिव थॉट्स इमोशंस ट्रिगर होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसी के रिलेटेड फॉल्स एविडेंस सेंसेशन फीलिंग ट्रिगर होना शुरू होता है। जैसे कि अगर किसी का एग्जाम में कम मार्क आ गया, अगर वो एक एग्जाम में उसका क्या कम मार्क आ गया, क्या जिंदगी खराब हो गया? नहीं, खराब नहीं हुआ, अभी आगे भी वो कुछ कर पाएगा। अगर उसी को सोचकर वो डिप्रेशन में चला गया तो वो गलत है। मैं बोल नहीं रहा हूँ एग्जाम सही नहीं होने से सही है, एग्जाम एक गलत हो गया तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरी बार शुरू कर सकते हैं। नथिंग हैज एनी टाइम टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एट एनी एज। आप बिना पढ़े भी कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े भी कुछ नहीं कर सकते। सो फॉल्स यूजलेस ग्राफिक जब विजुअलाइजिंग होता है तो उसको कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग बोला जाता है। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो को हम जब माइंड के अंदर इमेजिन करते हैं उसको बोला जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो। उसका मतलब होता है जो हम फ्यूचर को लेकर ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो जिंदगी में हर चीज़ के ऊपर नेगेटिविटी। कोई हमको अवॉइड किया, क्यों अवॉइड किया, हो सकता है वो किसी काम के लिए बिजी हो, लेकिन हमको लगा अरे वो मुझे अवॉइड किया क्योंकि मेरा इमेज अच्छा नहीं है, मैं सेल्फिश पर्सन हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, ये सब चीज़। इलॉजिकल एटीट्यूड स्टार्ट्स दिस मैजिक इन द ब्रेन व्हिच स्लोली ट्रिगर अप्स। मतलब जो इलॉजिकल एटीट्यूड होता है धीरे धीरे बढ़ता है, कभी जोर से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब कम से ज़्यादा होता है। उसके बाद लोग वो इलॉजिकल एटीट्यूड नेगेटिविटी, वो गलत चीज़, जो गलत चीज़ को एस्केप करने के लिए कोई कंपल्सन करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का एडिक्शन लोग क्यों लेते हैं? खुशी पाने के लिए। वो जो खुशी होता है टेम्प्रेरी होता है, जब अल्कोहल का एडिक्शन मतलब अल्कोहल का जो टाइम लिमिट होता है उसका काम करने खत्म हो जाते हैं, फिर लोग जाकर दारू पीते हैं, फिर खत्म हो जाते फिर लोग दारू पीते हैं, ये एस्केप ढूंढते हैं, कंपल्सन करते हैं ये लोग। अगर हम ये कंपल्सन को अभी के अभी रोक पाए तो हमारी जिंदगी में हम ऊपर जाने के लिए कामयाब होंगे। अगर किसी भी टाइप का कंपल्सन हो, किसी भी टाइप का, अगर आप पढ़ाई करने का चाहते हैं, आपका दिमाग लग नहीं रहा है, आपका दिमाग का ये वो चलता रहता है, दिमाग दौड़ता रहता है, तो हमको एक बात सोचना चाहिए कि द थॉट्स आर नॉट रियल, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज, जस्ट ए टूल व्हिच वी हैव टू यूज व्हेन वी नीड इट। अगर हमारे हाथ में कट हो गया या ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको उसको लेकर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाना है, बैंडेज लगाना है, ये है सही थॉट का सही मुकाबला। अगर आप स्कूल जाते हैं क्या पेचकस लेकर जाते हैं, स्क्रू ड्राइवर क्यों जाते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका उधर कुछ काम नहीं है। जिस थॉट का जिधर कुछ काम है उसको हमको सोचना चाहिए, जिसका किधर कुछ काम नहीं है उसको उधर नहीं डालना चाहिए। क्या हम जो बोलते हैं अपने अंदर वो होता है क्या? अपने 10-15 साल 20 साल 30 साल जिसका जितना उम्र है उसका उतना, जब से बुद्धि आया है तब से लेकर आज तक की थिंकिंग को सोचिए, क्या आपने जो जो सोचा वो सब हुआ क्या? 95% to 99% नहीं हुआ। जो आपने गलत सोचा वो हुआ क्या, या जो आपने सही सोचा वो हुआ क्या? लाइफ में याद रखिएगा पॉजिटिव थिंकिंग 99.9% काम करता है। सो अगर हम कंपल्सन को रुका देते हैं तो ये एक अलग बात हो गया, यहाँ तक प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और दिमाग अच्छा हो जाता है, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं स्टडी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। अगर ये नहीं हो पाता, एक ये लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादातर देखा गया है लोगों के अंदर, लॉकडाउन में बैठे हुए लॉकडाउन का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हो, वो लोग सोशल मीडिया में शो करते हैं मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन वो घर में बैठे हुए यूजलेस टॉपिक्स के ऊपर आर्ग्यू करते रहते हैं, अपने माइंड के अंदर अपने आप को कुछ बोलते रहते, दूसरों को कुछ बोलते रहते हैं। ये हमको याद रखना चाहिए कि कोई उसको कुछ बोले उसका इम्पैक्ट दूसरों पर नहीं होता बल्कि अपने ऊपर होता है, इतना को मानना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। तो अगर हम कंपल्सन रुका नहीं पाते, करते जाते एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर से अपना CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी जिसको बोलते हैं, माइंड की मैपिंग करवाना। माइंड की मैपिंग मतलब माइंड को जो माइंड में जो थॉट्स है वो जो कॉग्निटिव थॉट्स डिस्ट्रक्ट हो गए हैं उसको सही जगह पे लाना। मैप मतलब क्या? अब मैप मतलब किसी जगह से किसी जगह को जाने का सही रूट ढूंढने को बोलते हैं मैपिंग। वैसे ही थॉट का सही उपयोग सही समय में करने को बोलते हैं थॉट की मैपिंग। कौन सा थॉट सच है, कौन सा थॉट झूठ है, कौन सा इमेजिनरी है, कौन सा रियल, इसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करने को उसको बोलते हैं थॉट की मैपिंग। और जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जिसको करने से इस सेल्फ करने से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर सेल्फ आपको नहीं पता तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, नेट में वही चीज़ सर्च कीजिए जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको मत सर्च कीजिए, क्योंकि नेट का बहुत सारा प्रॉफिट भी है लेकिन बहुत सारा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि नेट आपको ऐसा चीज़ बोलेगा जो है ही नहीं, लेकिन आपको लगेगा नहीं ये तो है। इसलिए मैं नेट को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। एक प्रॉपर प्रोफेशनल का एडवाइस लीजिए या प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर का एडवाइस लीजिए।
एक बात याद रखिए, ए लॉजिकल पर्सन ऑलवेज थिंक्स लाइक ए पेवमेंट, वेयर ए थॉट कम्स एंड गो इट डजंट रिएक्ट टू इट. इफ ए थॉट कम्स टू योर माइंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इफ ए थॉट कम्स एंड गोज टू योर फ्रॉम योर माइंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इफ ए थॉट कम्स एंड यू रिएक्ट टू इट लाइक ये थॉट मेरे अंदर आया क्यों, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अंदर एक थॉट आ रहा है क्या होगा अगर कल आज कोई हो गया घर टूट गया तो क्या होगा ये हो गया, तो इसको सोचने से क्या कुछ होगा? नहीं. इसको सोच के अगर आप डर गए तो हो सकता है कुछ होए, हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ असर गिरे, इसीलिए तो लॉजिकल होना है. उसके बाद ये दो चीज़ों के लिए हो सकता है, या आइदर आपका जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है, या अगर आपके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन होता है ब्रेन का एक्चुअली जो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है उसकी कमी के लिए भी हो सकता है, जिसके लिए लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं सिलेक्टेड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. मेडिकेशन के ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा टॉपिक, या साइकोलॉजी के ब्रेन ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है. बात से ही बात को काटना है, नेगेटिविटी से ही नेगेटिविटी को काटना है. जहर ही जहर को काटता है वैसे नेगेटिविटी नेगेटिविटी को काटेगा, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को काटेगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर लाएगा, सही थिंकिंग लाएगा, जिंदगी में आगे बढ़ने को कुछ आपको उत्साहित करेगा. एज यू ऑल नो आवर माइंड एंड बॉडी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वाइस वर्सा, बॉडी माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है, माइंड बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है. उसी तरफ अगर आपका फिजिकल हेल्थ खराब हो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब हो मतलब नेगेटिव हो आप, अगर दिमागी तौर पर अगर नेगेटिव हो आपका सोच नेगेटिव है तो आपका बॉडी बॉडी मतलब स्टोमक अपसेट कर सकता है. स्टोमक अपसेट क्योंकि हम आप ये जरूर महसूस किए होंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मूड में हो तो आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी टाइप का फीलिंग सेंसेशन होता है, बर्निंग स्टोमक ये सब टाइप का. ये क्या है? ये वाइस वर्सा कनेक्शन है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का वाइस वर्सा कनेक्शन है. अगर हमको एक अच्छे इंसान सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल का मतलब अमीर होना नहीं, सक्सेसफुल का अंदर एक अच्छा इंसान बनना, मैं बहुत खुश हूँ मेरा जिंदगी खुशी से आनंदित है, एक बहुत अमीर इंसान भी दुखी हो सकता है और एक बहुत गरीब इंसान भी खुशी हो सकता है. ये सब शुरू होता है यहाँ से और एंड भी होता है यहाँ से. ये हमारे बॉडी में दो स्टोमक है, एक हमारा असली स्टोमक, ये है दूसरा स्टोमक माइंड. इसमें हम जैसा फूड मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं वैसा एक नाइट्रोजेनियस वेस्ट अगर अच्छा लेते हैं तो हमारे अच्छा यूज़ होता है, अगर गलत लेते हैं तो गलत ही वे में यूज होता है. अगर हमको जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है तो हमको हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करना चाहिए, रेशनल थिंकिंग करना चाहिए और माइंड की मैपिंग जरूर करना चाहिए, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें अरे भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये तो गलत है, इसको हम सही तरीके से सोचेंगे. सही सोचना मतलब साइंटिफिकली सोचना, प्रूफ के सही सोचना. हो सकता है आज ये दिन अकेले दिन दिखे, ह्यूमन आइज को ये दिन दिन दिखे, लेकिन जो चमगादड़ होते हैं बैट्स उनको दिन रात दिखता है, रात दिन दिखता है. उनका आँख अगर आपके आँख में लगा दिया जाए और आपका आँख उनके आँख में लगा दिया जाए, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? अलग अलग है. हम अपना ही बात सोचेंगे, हम दूसरे का बात सोचेंगे ही क्यों? इसमें आप सेल्फिश सोचिए, इसमें आप दूसरों के लिए नहीं आपके अपने के लिए सोचिए. अगर आप ये प्रैक्टिस को हमेशा जिंदगी में अप्लाई करेंगे इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ, नो मैटर इन एजुकेशन, इन वर्किंग फील्ड, ऑफिस, एनी सेक्टर, तो आप जिंदगी में कामयाब सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता. सो आज के लिए इतना ही. ये मेरा पहला वीडियो था इसीलिए मेरा प्रैक्टिस तो बोलने का प्रैक्टिस इतना है नहीं ऐसे यूट्यूब ऐसे वीडियो में बोलने का प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन ट्राई किया. देखिए आपको कैसा लगा मेरा बात, अगर कुछ गलत लगा तो उसको कॉमेंट कीजिए तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर रेक्टिफाई करूँगा. थैंक यू. अगर कुछ गलत हुआ होगा उसके लिए सॉरी, अगर कुछ सही हुआ होगा उसके लिए.